ओके, सो चलिए, हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है लिख लिया था। अब हम उससे आगे की बात कर रहे हैं। सो व्हाट कि जो अपना जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ए इक्विलिब्रियम जो है दो तरह का होता है, वन इज केसी एंड अनदर इज केपी। ये मैंने लास्ट में आपको वैसे करवा दिया था। मैं यहां से बात को स्टार्ट करूं, ठीक है? तो एक केसी हो गया, एक केपी हो गया। और जो केसी होता है, मेरी वॉइस नहीं आ रही, आवाज आ रही है मेरी कि नहीं? अच्छा, समोनो सही के लो आ रही है, ठीक है, ओके। सो अब बात करते हैं, जो केसी होता है, जैसे हम एक एग्जाम्पल लेंगे, जैसे मान लीजिए फॉर ए रिएक्शन एक मोल ऐसे रिएक्शन के लिए जो केसी होगा डायगोनली, ठीक है? और यहां पर जो ए है, बी सी डी क्या है, मोलैरिटी एट इक्विलिब्रियम। मतलब मोलर कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, सही बात है। जो कैपिटल ए बी सी डी है, दे आर द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ईच कॉम्पोनेंट एट इक्विलिब्रियम। आई होप एवरी पर्सन। जबकि अगर हम इसी का के पी लिखेंगे, के पी विल बी पार्शियल प्रेशर ऑफ सी रेज टू पावर सी, पार्शियल प्रेशर ऑफ डी रेज टू पावर डी, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए रेज टू पावर ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी रेज टू पावर बी। जबकि यहां पर डीबी डीसी डीडी क्या है, मोलर पार्शियल प्रेशर है सही बात है। इन गैसेस के पार्शियल प्रेशर जो है एट इक्विलिब्रियम, पीए पीबी पीसी, किसी को कोई डाउट है अब तक? किसी को कुछ पूछना हो? बोलो बोलो। एनीथिंग यू वांट टू आस्क? अच्छा, तो चलिए, अच्छा, समोने सिंह की जूम कीजिए, बहुत छोटा दिख रहा है, रखा उसी लोकेशन पे है, बट ये आज जो है छोटा क्यों है, थोड़ा सा जूम करने की तरीका।
पहले ठीक था। ओके अब आप सुनिए। चलिए अब आपको आगे बढ़ाते हैं। अब हम कर रहे हैं बात रिलेशन बिटवीन केपी एंड केस। केपी और ये जो दो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, एक केसी है एक केपी है, इन दोनों के बीच में जो है हमने रिलेशन निकाली है। और ये रिलेशन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, स्कूल में भी पूछी जाती है, ठीक है। सो ध्यान से दीजिएगा, छोटी सी डेरिवेशन है, नॉट ए बिग, ठीक है। तो चलिए लेट इट बी द फर्स्ट इक्वेशन, लेट इट बी द सेकंड इक्वेशन। सो As we know, partial pressure of A is number of moles of A RT upon B. मान लो जैसे ये रिएक्शन जो है, ये रिएक्शन A कंटेनर में हो रही है, इसका वॉल्यूम जो है बी लीटर का है, ठीक है। ये रिएक्शन जो है इस बी लीटर के कंटेनर में हो रही है, सो पार्शियल प्रेशर ऑफ A इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A RT अपॉन B, ठीक है। और ये नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम क्या हो गया, मोलैरिटी ऑफ ए हो गया, मतलब इस तरह से ए आर डी हो गया। देखो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी होता है, पहले समझ जाइए, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी होता है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए आर टी अपॉन बी, ठीक है, बी वॉल्यूम इस कंटेनर। अच्छा अब तो मैंने कहा नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम इज मोलैरिटी ऑफ ए, ये लिखा था ए बी सी डी का मोलैरिटी ऑफ कंपोनेंट्स एट इक्विलिब्रियम, तो हम ए आर टी लिख सकते हैं। तो सिमिलरिटी जो है, वी कैन से पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इज बी आर टी, पार्शियल प्रेशर ऑफ सी सी आर टी, पार्शियल प्रेशर ऑफ डी मतलब लेट मी थर्ड फोर्थ फिफ्थ। सो फ्रॉम टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स हमें प्रॉब्लम मतलब इस रिलेशन में इन वैल्यूज को करेंगे, देखते जाओ रेज टू पावर सी डी आर डी रेज टू पावर डी ए आर डी रेज टू पावर ए बी आर डी पर भी ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। इनको ही हमने यहाँ पे लिखा। अब थोड़ा कॉमन कर लेते हैं, के पी इज इक्वल टू सी रेज टू पावर सी This, ऐसे लिख सकते हैं, सुनते जाइए बस हो गया। तो बड़ा आसान। अब सुनो ये जो चीज है, दिस इज केसी,
तो इसलिए हम लिख सकते हैं AP is equal to AC RT C plus D minus A plus D. C plus D minus A plus B. और इसके बाद AP is equal to AC RT हम लिख सकते हैं डेल्टा N इसको ये डेल्टा N क्या है डेल्टा N C plus D minus A plus B सही है बात तो पहले इस रिलेशन को जो है आप नोट कर लें प्लीज एक्सप्लेन थर्ड इक्वेशन थर्ड इक्वेशन पढ़ने देखो आपने पढ़ा है पी वी इज इक्वल टू एन आर आपने ये तो पढ़ा पी वी इज इक्वल टू एन आर टी आपने पढ़ा मैंने उसी को रिलेट किया पी इज इक्वल टू एन आर टी अपॉन बी ठीक है अब यहाँ पे मैंने कर दिया पी ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी आर टी अपॉन बी क्योंकि बी वॉल्यूम के कंटेनर में रही है सभी का वॉल्यूम बराबर है तो मैंने वॉल्यूम बी ही रखा अब इसके बाद नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम इज मोलैरिटी ऑफ ए तो उसको मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में मोलैरिटी ऑफ ए कर दिया बाकी आर तो वैसे कर रहे थे दिस थिंग इज दिस समझ में आ गया अभी नोट कर उम्मीद अब काफी हद तक ठीक हूं लेकिन थोड़ी सी मतलब इस वायरस का पता नहीं लगता थोड़ा वीकनेस जो है वो अजीब तरह की है और आजकल मौसम भी इतना गंदा हो रखा है आप लोगों ने देखा है ना मौसम इतना खराब है जो ऐसे अच्छे आदमी को भी बीमार कर ले नहीं वो भी नहीं है यार जम्मू में मुझे लगता है 10 साल में पहली बार देख रहे हैं ऐसा मौसम ठीक है सनलाइट ही नहीं है लीजिए लीजिए नोट अगर कर लिया हो तो मैं बिता दूं कर लिया संचित ने लिख दिया आपने जब भी ये रिलेशन यूज करना है मैं एक दो एग्जांपल देके बता रहा हूँ कि किस तरीके से आप यूज करेंगे ठीक है नहीं गुरमीत मैं स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ाऊंगा एक्चुअली मैं अभी त्रिकुटा नगर से ले रहा हूँ क्लास महिला सर नोएडा से ले रही तो एक्चुअल में हमारे सेंटर पे स्मार्ट बोर्ड मतलब जो स्टूडियो बनना है उसका सामान पहुंच रहा है थोड़ा बहुत पहुंच गया कुरियर से थोड़ा बहुत पहुंच रहा है तो मुझे लगता है कोई 5-10 फरवरी के आसपास हम फुल फ्लैश यहाँ से स्मार्ट बोर्ड पे क्लासेस लेने लग जाए आपका एक्सपीरियंस कैसा है स्मार्ट बोर्ड का बढ़िया अच्छा लग रहा है स्मार्ट बोर्ड पे बहुत अच्छा ना तो सेम जो है यहाँ पर बस यहाँ पर एक्चुअल में क्योंकि महिला सर को वहां पे बुलाया था कुछ और बच्चों की भी क्लास लेनी थी तो फिर यहीं पे सेंटर में बन जाएगा 10 फरवरी तक पक्का बन गया होगा तो फिर यहाँ से जो है स्मार्ट बोर्ड पे ही क्लासेस की जाए ठीक है चलिए आगे बढ़े अच्छा जैसे मैं कह रहा था कि यहाँ पर आपको ध्यान देना है
ये जो डेल्टा एन है ना, बेसिकली इसमें सिर्फ गैसियस कॉम्पोनेंट्स है, ये ओनली गैसियस कॉम्पोनेंट। इसका मतलब क्या है बेटा, देखो जैसे मान लीजिए हम एग्जांपल दें, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, सबसे पहले N2 gaseous plus 3 H2 gaseous giving you 2NH3। तो इसमें Kp और Kc का अगर अपने को रिलेशन देखना है तो हम लिखेंगे Kp is equal to Kc Rd raised to power 2 product C plus D minus A plus D है ना, मतलब प्रोडक्ट के कोएफिशिएंट माइनस किए गए 2 माइनस 1 प्लस 3, सो दैट इज इक्वल टू ये सी आर टी रेस टू पावर माइनस, समझ आ रही बात, रेस टू पावर माइनस 2 माइनस 4 ठीक है। अच्छा अब दूसरा दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड गिविंग रशन, और कैसे हाँ हाँ मतलब कैसे ठीक है, हाँ एक और ले ली मैंने उसको, हाँ ऐसे इलेवन की भी है मैं वो भी दूंगा उसको ठीक है, यहाँ सब बिल्कुल बढ़िया डन ठीक। आप ये देखिए कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, सॉलिड गिविंग यू कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस। अब इसका मतलब इसमें दो सॉलिड है एक गैस है, तो इसमें कैसे रिलेशन KP = KC Rd 0 + 1 - 0 इसी, ये मैं ऐसे जीरो लिख रहा हूँ है ना, ए सी आर टी रेंज टू पार वन रखें, ये हो ये कैसे हुआ सुन, इट इज वन प्लस जीरो मतलब सॉलिड को जीरो लेंगे, एक्टिव मास जो है आप सॉलिड्स का यूनिटी लेते हैं तो आपने जीरो लिया ठीक है ना, उसको कंसिडर नहीं करना एक तरह से, मतलब दैट इज नॉट कंसिडर ठीक है, ये मैं तो आप सीधे जो है रेज टू पावर वन क्योंकि इसको कंसिडर करना नहीं है, सिर्फ इसी को लेना है, इसको भी कंसिडर नहीं करना, सो एक तरह से 0 प्लस 1 माइनस 0 इज इक्वल टू बेटा, समझ आई बात, अरे बेटे इसीलिए मैंने एग्जांपल दे दिया आपको कि एग्जांपल से आपको पता चल जाए ठीक है। अदिति मैं जूम नहीं कर सकता क्योंकि बच्चे बोल रहे हैं कि सर ऐसे ठीक है जैसे आप लिख रहे हो, अब सेकंड स्टेप को रिपीट कर रहा हूं, ये वाला इसमें बेटा इधर भी सॉलिड है इधर गैसीय ठीक है, सुन मैं करता हूँ जूम करने की ट्राई करता हूँ फिर पहले मिटा देता हूँ ठीक है, और Kp is equal to K, क्योंकि ये जीरो लेना है आपको, ये वन लेना, इसका कॉफिशियंट वन है, इसका कॉफिशियंट लेना ही नहीं है, एक तरह से कंसिडर ही नहीं कर, इसको और इसको आपने इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन में का लिखना ही नहीं, मतलब नहीं लिखना है, मतलब अगर मैं इसका केसी लिखता हूं तो केसी इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ सीओ खत्म, एंड केपी इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ सीओ, क्या मेरी बात समझ रहे दोनों, इसका जो केसी होगा उसमें से प्रोडक्ट वाली चीज लिखी जाएगी, ये दोनों सॉलिड है ये नहीं लिखे जाए, केपी में सिर्फ पार्शियल प्रेशर ऑफ सीओ टू लिखा जाएगा बस जो है, बाकी ये दोनों नहीं लिखा, इज इट ओके, समझ आ गई बात,
आ रही है बात समझ? मिटा दूं फर्स्ट एग्जांपल को फिर से? देखो फर्स्ट में क्या है, पहले इसका भी मैं बता दूं, इसका जो केस ही लिखा जाएगा दैट इज इक्वल टू अमोनिया की कंसंट्रेशन का स्क्वायर टू गैसियस एच टू की कंसंट्रेशन का केपी लिखा जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया का स्क्वायर पार्शियल प्रेशर ऑफ एन टू पार्शियल प्रेशर ऑफ एच टू का क्यू। ये ऐसे लिखा है ठीक है। तो अब ऐसे में आप देखिए प्रोडक्ट के कॉफिशियंट दो, रिएक्टेंट का एक प्लस तीन ठीक है। प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट लिखते हैं ना डेल्टा एन जी, तो आ गया ये माइनस टू ठीक है। आगे बढ़ सकते हैं अच्छा ऐसे ही यूनिट्स ऑफ केपी एंड केसी। आपने केपी और केसी की रिलेशन तो आपने देख ही ली है, तो इसलिए जो केपी और केसी के यूनिट्स होंगे वो किस तरीके के होंगे वो भी देख लेते हैं अपन लोग ठीक है। देखिए इसमें करना क्या जो केपी का यूनिट रहेगा दैट विल बी एटमॉस्फेयर रेज टू पावर डेल्टा एन एंड केसी का रहेगा मोल्स पर लीटर रेज टू पावर डेल्टा एन। सिंपल सी बात ठीक है। जो भी डेल्टा एन वही प्रोडक्ट के कोएफिशिएंट माइनस रिएक्टेंट के ठीक है, और केसी का रहेगा ये मोल्स पर लीटर रेस टू पार डेल्टा ठीक है। अदिति मेरे को बार बार कह रही है सर थोड़ा जूम कर लो, लेकिन जूम बेटा अगर मैं करूंगा चलो आई एम ट्राइंग ठीक है इतना कर लेते हैं ठीक है। सुनो अब ध्यान दीजिए आगे बढ़े। अब यहां पर मैं आपको एक्चुअल में थोड़ी सी अब प्रैक्टिस करवाना चाहता हूँ ठीक है। अब ये प्रैक्टिस करवाना किस चीज की चाहता हूँ, एक आधा क्वेश्चन देख के पहले जो है बात को स्टार्ट करते हैं ठीक है, कि किस तरीके से जो है हम क्वेश्चंस में मतलब इनको जो है सॉल्व करें। हाँ एटीएम की जगह बार हो सकता है बिल्कुल सही बात ठीक है। अब आप कृपया मेरी बात पे ध्यान दें ठीक है। मैं आपको एक मतलब केपी और केसी के क्वेश्चंस किस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं ये करवाना स्टार्ट कर रहा हूँ एक क्वेश्चन की है ठीक है। थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं हम चीजों की ध्यान दीजिए। आप क्वेश्चन देखिए
अब ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा कि ए मूव्स ऑफ एच टू एंड बी मूव्स ऑफ आई टू आर बी कहेंगे क्लोज्ड वेसल ऑफ वॉल्यूम बी एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर. फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर केपी एंड केसी. एक्स मूव्स ऑफ एच टू हैव बीन एसोसिएटेड एट इक्वली. आपने मेरे साथ देखना है कि मैं कैसे इसकी एक्सप्रेशन बना रहा हूँ, ठीक है. ये जो मैं एक्सप्रेशन बना रहा हूँ एक्चुअली ये हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करेगी, ठीक है. ध्यान दें, तो हाउ वी विल सॉल्व. पहले हम इसकी रिएक्शन बना रहे हैं. रिएक्शन क्या होगा? रिएक्शन हो रही है एच टू गैस प्लस आई टू गैस giving you 2HI. देखते जाइए आपको ये एक्सप्रेशन, ये रिएक्शन. अब इस रिएक्शन में ठीक है, अभी जिक्र किया है ना एच टू आई टू, ठीक है. तो चलिए भाई रिएक्शन हमें मान लो दी गई. अब इनिशियली क्या ऐसे होंगे, मतलब P is equal to C, का मतलब है इनिशियल. जब रिएक्शन स्टार्टिंग, तो T is equal to zero पे इसके मोल A है, इसके मोल B है और इसके मोल zero है ना. सही है बात. एक के मोल A है, एक के B है और इसके एच आई के जीरो इनिशियल, ठीक है. अब T एट द टाइम ऑफ इक्वली, ये है एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम. और क्वेश्चन में कहा भी गया है कि एच टू के एक्स मोल्स डिसोसिएट किए, एक्स मोल्स एच टू हैव डिसोसिएट, मतलब ए में से एक्स मोल्स रिएक्ट किए. अब ध्यान देने वाली बात है क्योंकि थोड़ी बहुत स्टोकियोमेट्री आएगी. अब तो इसके अगर देखो, आप जानते हैं इसका एक मोल के साथ इसका एक मोल रिएक्ट करता है और इसके दो मोल बनते हैं. रिएक्शन मोल मोल रिलेशन, इसके एक मोल के साथ इसका एक मोल रिएक्ट करता है, इसके दो मोल बनते. तो अगर इसके ए में से एक्स रिएक्ट किया तो ऑब्वियसली बी में से भी एक्स ही रिएक्ट किया होगा. ए में से अगर एच टू के एक्स मोल रिएक्ट किए तो इसके भी एक्स ही करेंगे, क्योंकि एक मोल के साथ एक करता है तो एक्स के साथ एक्स करेंगे. तो इसके कितने बनेंगे? 2x, क्योंकि x और x आपस में कमाइन करके कह रहे हैं, एक मोल के साथ एक मोल कमाइन करके इसके दो बनते हैं. तो इसके बन जाएंगे, आपको ये बात समझ में आई सेकंड लाइन के लिए? ये वाली खास तौर पे समझने वाली बात है कि आपने रेशियोज को देख, इसका एक x मोल, इसका x, इसका 2x बनाएगा. रिएक्शन क्या है, ठीक है, सुनते जाइए. अब हम इसको कह रही है प्लीज एक्सप्लेन अगेन. तो मैं कह रहा हूं इसके ए मोल्स हैं पहले, इसके बी मोल्स हैं पहले. अब जो है जब रिएक्शन हुई तो ए में से एक्स रिएक्ट हुई, ए और बी कितने भी हो सकते हैं लेकिन उनमें से जब रिएक्शन होगी, ठीक है, ये पांच हो सकते हैं, ये सात होंगे मान लो, लेकिन जब रिएक्शन होगी तो बराबर रेशियो होंगे ना. एक मोल के साथ एक ही मोल रिएक्ट करेगा और इसके दो बने दिख रहा है रिएक्शन में, क्लियर है. तो एक्स के साथ एक्स रिएक्ट करेंगे और टू एक्स जो है बनेंगे, ठीक है. ये हमें रिएक्शन बता रही है, ए और बी पहले है, ये हमें क्वेश्चन बता रहा है. इज इट ओके? अब क्या करना है? तो आप कंसंट्रेशन ऑफ एच टू कितनी होगी? ए माइनस एक्स अपॉन बी. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एच टू इक्विलिब्रियम पे कितने हैं? ए माइनस एक्स अपॉन बी. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आई टू इक्विलिब्रियम में कितने हैं? b माइनस एक्स अपॉन बी. एंड कंसंट्रेशन ऑफ एच आई एट इक्विलिब्रियम कितनी है? 2x अपॉन. सही है बात. a माइनस एक्स b माइनस एक्स 2x डिवाइडेड बाय b, क्योंकि आपको कंसंट्रेशन निकालना है. सही है बात. तो इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया. सुनिए सुनिए,
इसका मतलब ये हो गया कि अपना केसी इज इक्वल टू जो कि बाय फॉर्मूला होना चाहिए एच आई कंसेंट्रेशन का स्क्वायर एच टू एंड आई टू सही बात है सही बात है दिस अपॉन दिस थर्ड स्टेप में हम क्या फाइंड कर रहे हैं ओके ये थर्ड स्टेप में ये केसी की टर्म है हमने देखो ना एक्सप्रेशन पर केपी एंड केसी निकालना है ना ये तो कंसंट्रेशन ये कंसंट्रेशन है नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम अपॉन टोटल वॉल्यूम नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ ये मोल मोलैरिटीज है ना एक्टिव मासेस है ना ये सर यू सब्स्टिट्यूटेड नहीं नहीं कोई डिफरेंशिएशन वगैरह कुछ नहीं है एच आई की जगह मैंने क्या लिखना है एच आई की जगह टू एक्स अपॉन वी का होल स्क्वायर इस एच आई की जगह ठीक है ये है ना एच आई इज टू एक्स अपॉन वी वो टू एक्स अपॉन वी का होल स्क्वायर ठीक है ऐसे ही ए माइनस एक्स अपॉन वी बी माइनस एक्स अपॉन वी ठीक है सुन ले जाओ तो हमारा के सी आ जाएगा के सी इज इक्वल टू अगर आप देखें तो बी तो बी से कट ही जाएगा ऊपर स्क्वायर है बी का नीचे ही तो ये आ जाएगा 4x स्क्वायर अपॉन a माइनस x इज इट ओके ठीक है तो ये आ गई अपनी केसी की रिलेशन ठीक है जस्ट एक मिनट आप नोट करें एक मिनट राहुल जी राहुल मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को कि हाँ आर यू गेटिंग द प्रॉपर वॉइस ओके अच्छा सुन लो सर आपने ए बी लिया है बी इज वॉल्यूम बिल्कुल सही बात है वॉल्यूम भाई आप ए माइनस एक्स क्या है ए माइनस एक्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एच डिवाइडेड बाय वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ कंटेनर ठीक है वॉल्यूम ऑफ कंटेनर ठीक है तो क्या हो गया मोलैरिटी होगी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एच टू डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ठीक है
अच्छा सुनो, अभी मेरी बात खत्म नहीं, अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई। अभी हमने जो है वापस में आ गए, देखो केपी की उसी रिएक्शन में केपी को कहें, केपी इज इक्वल पार्शियल प्रेशर ऑफ एचआई का स्क्वायर अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ एच2 पार्शियल प्रेशर ऑफ आई। दिस इज एंड यू नो partial pressure of HI is equal to, अब हमने अगर मान लो ऐसे लिखना है, सुन लो जो अपने वो डाल्टन लॉ पार्शियल प्रेशर भी कहता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ HI into टोटल प्रेशर, बोलो सही है ही नहीं? पहले ये बताओ डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर ये कहता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस इज मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस इनटू टोटल प्रेशर, सही बात है? तो ऐसे ही पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 इनटू टोटल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ I2 इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ I2 इनटू टोटल। अब ऐसे में हम ये लिख सकते केपी इज इक्वल टू, सुन लीजिएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ HI इनटू टोटल प्रेशर का स्क्वायर and mole fraction of H2 into total pressure, mole fraction of I2 into total pressure. सुनते रहिएगा बात। And इसको अगर रियली करेंगे तो KP is equal to mole fraction of HI का स्क्वायर मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 मोल फ्रैक्शन ऑफ I। एंड आप देखिए यहां पे पीटी कट रहा, पीटी क्या हो रहा है, कट रहा, पीटी की जरूरत ही नहीं, देखो ना ये पीटी का स्क्वायर है, ये कट करेगा, तो ये मोल फ्रैक्शन ही रह जाए और मोल फ्रैक्शन रहते हैं कि बेटे ध्यान देना, मोल फ्रैक्शन क्या होता, मोल फ्रैक्शन ऑफ HI क्या होता, क्या लिखेंगे आप, नंबर ऑफ, यहां देखते रहना, मोल फ्रैक्शन ऑफ HI थोड़ा सा लिख देता हूं, मोल फ्रैक्शन ऑफ HI इज इक्वल टू ए माइनस एक्स। अगर आप उस रिएक्शन को ध्यान दें जो रिएक्शन लिखी थी, देखो यहां पर मैं लिख रहा हूं रिमाइंडर के लिए फिर से लिख रहा हूँ कि ये उस इक्वेशन की इक्विलिब्रियम में ये सिचुएशन है। सो व्हाट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ HI एट इक्विलिब्रियम, HI के कितने मोल है, 2x है, और टोटल मोल्स कितने, a माइनस x प्लस b माइनस x प्लस 2x कितने हो, a प्लस b, बोलो वो है कि नहीं, this प्लस this प्लस this is कितना, a प्लस b ही हुआ। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ HI क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HI अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, मतलब 2x अपॉन a प्लस b। ऐसे ही नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 क्या होगा, H2 में कितने मोल्स हैं, a माइनस x, a माइनस x अपॉन a प्लस b, ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ I2 कितनी हुई, b माइनस x a प्लस b, ऐसे ही करने में मतलब होना, पर बात आसान ही है, ठीक है, मोल फ्रैक्शन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट टोटल नंबर ऑफ मोल्स। सुनिए अब इन चारों क्वेश्चंस को अगर हम रिलेट करेंगे सो वी विल सी कि अपना केपी विल बी क्या,
अगेन 2x अपॉन a प्लस b का होल स्क्वायर a माइनस x a प्लस b b माइनस x a प्लस b so kp will be equal to 4x square a minus x b minus x बेटा देखो सही है क्योंकि a प्लस b कट जाए ये कट जाए बोलो सही है बात के लिए कुछ पूछना है आप और इसमें अगर आप ध्यान दें एक बार बोर्ड पे ध्यान दे दें फिर मैं नोट करने के लिए आपको टाइम दे दूं ठीक है a प्लस b क्या है टोटल नंबर ऑफ मोल्स अदिति टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्योंकि मोल फ्रैक्शन क्या होते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ एच आई क्या होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एच आई टोटल नंबर ऑफ मोल्स तो दिस प्लस दिस प्लस दिस क्या होगा ये सभी अगर आप ऐड करोगे तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम a प्लस b आ रहा अच्छा यहाँ एक बात का ध्यान देने की बात है कि kp will be equal to kc अगर आप kc की रिलेशन भी देखोगे जो हमने डिराइव की वो भी सेम आ रही और kc की भी सेम दोनों की सेम ऐसा क्यों हुआ पता है क्यों हुआ क्योंकि जो हमने ये रिलेशन लिखा था इस रिलेशन के लिए जो डेल्टा एनजी है वो जीरो क्या है ये डेल्टा है जी में पेपर में जी यूज करता हूँ क्योंकि गैसियस कंपोनेंट ही लेते हैं डेल्टा एन की एक ही बात है डेल्टा एन इज इक्वल टू जीरो टू प्लस माइनस टू माइनस वन प्लस वन इज जीरो डेल्टा एन इस रिएक्शन के केस में जीरो है सही बात है ये भी गैसियस है ये भी गैसियस है और ये भी गैसियस क्या होगा टू माइनस वन प्लस वन इज जीरो जब डेल्टा एन जीरो हो जाता है तो kp is equal to kc हो जाता है क्योंकि rt raise to power 0 जो है वो कट kp is equal to kc ही बचेगा सही बात है कि नहीं तो ये ऐसे रिएक्शन है जहां पे kp is equal to kc हो क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है बेटा जी मोल फ्रैक्शन का क्योंकि पार्शियल प्रेशर इज मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर ना हमने उसको भी यूज किया यहाँ पे ठीक है आगे बात समझ आ गया समझ बहुत बढ़िया ठीक है चलिए चलिए तो नोट कर लिया एक क्वेश्चन और देता हूं मैं
ठीक है, देखते हैं क्या है इन रिएक्शन। रिएक्शन हमें दी है A and T are mixed in a container temperature T. The initial concentration of A was twice the initial concentration of B. After equilibrium has reached, concentration of C was twice the concentration of B. Calculate KC. सिंपल सा सवाल है, KC निकालना है। ठीक है, चलिए देखते हैं किस तरीके से निकाला है। क्या ये है तो इनिशियल क्या सिचुएशन, सुनते जाइएगा। इनिशियली जो सिचुएशन है ए कंसंट्रेशन ट्वाइस है बी से, तो मतलब अगर ये 2A है तो ये ए की कंसंट्रेशन क्या है ट्वाइस है बी से, तो मैंने इनिशियल कंसंट्रेशन ए की 2A ले ली और बी की सिर्फ ए दे दी होगी। हाँ ठीक है, अब P at the time of equilibrium क्या ये अभी जीरो। अब मान लो, सुनते जाइए, अब मान लो रिएक्शन हुई तो इस 2A में से X रिएक्ट करेंगे तो A minus X भी होगा और इसका X बनेगा और इसका X बनेगा। सही है बात, इसके X के साथ इसका X रिएक्ट करेगा, इसका X बनेगा, इसका X बनेगा। ये तो आप रिएक्शन से देख रहे हैं, एक मोल के साथ एक मोल रिएक्ट करता है, एक इसका बनता है एक इसका। तो अगर इसके X रिएक्ट किया, इसका X रिएक्ट करेगा, इसका X बनेगा, इसका X बनेगा। ठीक है, समझ आ रही है बात, सुन लीजिए। और साथ में ये भी दिया हुआ है, सुन लो, समझने वाली बात अब है कि आफ्टर इक्विलिब्रियम द कंसंट्रेशन C वाज ट्वाइस द कंसंट्रेशन ऑफ B, मतलब जो X as E1, x is equal to twice A minus x. सही है बात, so that means x is equal to 3/4 of A. इसको अगर आप सॉल्व करेंगे यू विल गेट दिस। ठीक है, अब सुनिए, we can write KC is equal to क्या लिखें, C B A B, यही लिखोगे, यही लिखोगे, और is equal to X X 2A minus X A minus X, यही लिखोगे ना, and that is equal to अब x की जगह 3/4 ही लिखते हैं। आराम से कट जाएगा सब कुछ, देख लो, आराम से सॉल्व होगा ये। आ जाएगा सॉल्व करके 9/5। ठीक है, ए ए तो कट ही जाएगा,
so it will be 1.5. क्या आपको समझ में आया क्वेश्चन? उम्मीद को आगे बहुत बढ़िया। सर स्क्रीन थोड़ी मिनिमाइज करना, साइड स्क्रीन ये हो रही, ठीक है। कर दी मैंने मिनिमाइज। आई होप आपको आइडिया लग रहा है, दो क्वेश्चन से आपको एक आइडिया लग गया कि भाई किस तरीके से हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं इसमें, ठीक है। नोट कर लिया होगा सबने। सो आज के लिए इतना ही रखें, आज के लिए इतना काफी है कि नहीं? सही है, इतना चलेगा आज के लिए। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अब हम इक्विलिब्रियम में भी आ गए मोड में, है ना? ओके चलिए टेक केयर, मिलते हैं। 3/4 कैसे आया बेटा? इसको सॉल्व कर, 3a-3x लिखिए इसको, ठीक है। x = 3a - 0, ठीक है। अब इसको उधर ले जाए, 4x = 3a, तो x = 3/4 आ गया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय। ओके बाय।